यूपी के कुशीनगर में धरनी पट्टी गांव के खेल मैदान में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री जी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने के लिए पहुंचने वाले थे। इस दौरान जिले के सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी कार्यक्रम के दौरान शिरकत करने आए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने वाले थे कि तभी कुशीनगर के डीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मंच पर और हेलीपैड पर जाने से रोक दिया, जिससे कार्यकर्ता गुस्सा हो गए और मंच के थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए। आपको बता दें कि इन कार्यकर्ताओं में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रतिनिधित्व में आए आर के मौर्य को भी डीएम ने मंच पर जाने से रोक लिया, लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का समय हुआ और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं के आगे रस्सी तानकर खड़े हो गए, जिससे कार्यकर्ता और उग्र हो गए और मंच छोड़कर जाने लगे। वहीं डीएम के इस फरमान को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने डीएम को हिटलर करार दे दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि आर के मौर्य डीएम की इस हरकत को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तानाशाही चल रही है, डीएम जो है यहाँ डीएम सरकार चला बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है, डीएम साहब जिस लैंग्वेज पे चल रहे हैं आने वाले समय में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिले यूनिट की ओर से जिम्मेदार लोगों को जो है मंच पे बैठने के लिए जिला महामंत्री के द्वारा एक लिस्ट सौंपी गई। संज्ञान में ये आया कि वो लिस्ट डीएम साहब लेकर के उसमें से नाम काट छांट दिए। मैं पड़ोना विधायक माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रतिनिधि की हैसियत से उसमें लिस्ट में मेरा नाम डाला गया था। हमें मंच पे बैठने की बात नहीं है, बात यह है कि मंच पे बैठने के बाद जो डीएम साहब के द्वारा जो अपमानित कराया गया उससे मैं दुखी हूँ और इस बात को लेकर के सभी कार्यकर्ता जो है दुखी हैं। बहरहाल हम सब लोग जो है आकर के नीचे बैठ गए थे, नीचे बैठे रहे, इतना से बैरिकेटिंग लगी है, ना कोई हो हल्ला ना कोई शोर शराबा। उसके बाद डीएम साहब ने क्या काम किया कि हम लोगों के सामने एक रस्सी लगवा दिया। मालूम हो रहा है हम लोग बहुत बड़े आतंकवादी हैं, हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग जो है पार्टी के पदाधिकारी हैं, और उसके बाद इस तरीके से जो है डीएम साहब का जो है व्यवहार हम लोगों के प्रति हो रहा है, इससे हम लोगों दुखी हैं। सभी पदाधिकारी हैं, विवेक जी हैं जो यहाँ के उपाध्यक्ष जी हैं, राजन जायसवाल जी, बिंदा जी हैं आप हमारे बगल में हैं, विनय जायसवाल जी हैं, सारे लोगों का तिरस्कार जो है अपमानित करने का काम डीएम साहब ने किया है। फिर अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग वहां से न रहकर, जब हम लोगों से इतना खतरा है डीएम साहब को, तो हम लोग बाहर रहकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनेंगे और उसे जन जन तक पहुँचाएंगे, मंच के पास में नहीं बैठेंगे। डीएम तो पूरी तरीके से हिटलर है, डीएम पूरी तरीके से हिटलर है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं जिला महामंत्री बृंदा प्रसाद का क्या कहना है। हमारी सरकार है और ये डीएम साहब अपना मनमाना कर रहे हैं और हम लोग मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं। अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किए कि आगे बैरिकेटिंग है, उसके बाद भी फिर रस्सी लगी हुई है। इससे बढ़िया है कि हम लोग को सुनना है, मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनना है और फिर मंच के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना है। तो वहाँ न बैठ करके वो अपमान का न पी करके बाहर से सुनेंगे, उस वो लॉटरी का आवाज़ बाहर तक भी जाएगी, बाहर सुनेंगे और उसको अपने मंच के माध्यम से कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कहे। SPN 9 न्यूज के लिए कुशीनगर से गुड्डू निषाद की रिपोर्ट।